पोहरी जनपद सदस्य संघ ने जनपद कार्यालय में की तालाबंदी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद कार्यालय के बाहर बैठे सदस्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बैठे हैं। पोहरी से बड़ी खबर आ रही है। पोहरी जनपद सदस्य संघ के द्वारा जनपद कार्यालय पर तालाबंदी कर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जहाँ भाजपा के जनपद अध्यक्ष रामकली आदिवासी के साथ साथ दर्जन भर जनपद सदस्यों के द्वारा जनपद कार्यालय में तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की है। जनपद सदस्य अरविंद वर्मा दुल्हारा के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन जनपद कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें मांग की कि सरकार के द्वारा सभी जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए, जनपद सदस्यों को दिए अधिकार वापस दिलाए जाए, जनपद सदस्यों को विकास कार्यों के लिए फंड दिया जाए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सदस्यों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह सभी प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में ये तालाबंदी की जा रही है, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर पूरे तहसील स्तर पर तालाबंदी की जा रही है और SDM साहब को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं कि हमारा 15,000 वेतन किया जाए। जब सरपंचों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5,000 रुपये वेतन दे रहे हैं तो जनपद सदस्य के 4 और 5 पंचायतों से जनपद सदस्य चुन के आते हैं, आज उनकी 1,000 1,200 रुपये 1,300 रुपये मानदेय हैं, कैसे जनपद सदस्य विकास करेगा? जनपद सदस्य से आज जनता आकर कहती है कि आप हमारी मांगें पूरी करिए, आप हमारी ये काम करिए, वो विकास करिए, हम लोग कैसे पूरा करेंगे जब हमारा कोई फंड ही नहीं होगा? हम चाहते हैं कि हमारा 25 लाख रुपये फंड किया जाए, 15,000 रुपये हमारी मानदेय किया जाए और पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1993 में जो जनपद सदस्य को अधिकार थे वो अधिकार हमारे वापस किए जाए।